लखीमपुर खीरी में हुई आपराधिक घटना के बाद में एक बच्चे के साथ में उस पर राजनीति फिलहाल तेज हो गई है। तमाम संगठन के नेता भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस सबके बीच में फिलहाल अखिलेश यादव ने भी घेरने की कोशिश की, साथ में उन्होंने भगवान को लेकर भी कहा कि हमारे सभी भगवान जो हैं हमारे हैं। सबके साथ में उन्होंने आपको बता दें कि तमाम मुद्दों को लेकर हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए कहा कि ये सरकार में तमाम जो घटनाएँ हो रही हैं वो नियंत्रण में नहीं है। सब भगवान हैं, भगवान विष्णु हमारे, भगवान कृष्ण हमारे, भगवान राम हमारे, और जितने भी भगवान विष्णु के अवतार हैं वो सब हमारे। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है? हम देवियों को मानते हैं, इनके घर में हम तो नहीं जानते तुम्हें, लेकिन तुम्हारे घर के परिवार की महिलाएं देवियों की पूजा करती कि नहीं पूरती? अभी नवरात आएंगे, सब देवियों की पूजा होगी कि नहीं होगी? तो भारतीय जनता पार्टी की हैं देवियाँ क्या? ये हमारी और सबकी हैं। भैया लखीमपुर में एक बच्ची, इसके साथ में प्रदेश की जो तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर भी उन्होंने तमाम सवाल निशान खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर मेडिकल कॉलेज में तमाम चीज़ें सही समय पर स्टार्ट हो जाती तो निश्चित रूप से यहाँ से तमाम जो लोग थे, नर्सिंग स्टाफ था, तमाम लोगों को जो ट्रेनिंग थे, उनको बच्चों को यहाँ पे जॉब भी मिल जाता और वो एक बेहतर कार्य कर सकते थे समाज के लिए। यही मेडिकल कॉलेज अगर सही तरीके से चल जाता तो बताओ यहाँ पर गरीबों का इलाज हो जाता कि नहीं होता? कोविड क्या बहाना है? इलाज तो होना नहीं है, ये तो गरीब जनता का इलाज होना है। कोविड में आप बताइए, पैरामेडिकल बंद, नर्सिंग हॉस्पिटल बंद, इन बच्चों को ट्रेनिंग के बाद नौकरी मिल जाती, 500 बच्चे हर साल निकलते, 1000 बच्चों को नौकरी मिलती, अब क्या बचा है? भैया ऐसे भी बहुत से केस आ रहे हैं जिस